नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। महाराष्ट्र में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर उनकी गर्लफ्रेंड ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप भी ऐसे हैं कि आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता होते देर नहीं लगेगी। ये है प्रिया सिंह, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और इनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, न केवल मारपीट बल्कि हाथ पैर तक तोड़ डालने के। इनके बॉयफ्रेंड जो बताए जा रहे हैं वो अश्वजीत गायकवाड़ बताए जा रहे हैं। इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा है, प्रेसिडेंट बीजेपी युवा मोर्चा थाने डिवीजन ट्रस्टी सप्तऋषि फाउंडेशन। मतलब ये कि दोस्तों, ये खुद अपने आप को भाजपा से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। 26 साल की ब्यूटिशियन और मॉडल प्रिया सिंह ने एक सीनियर नौकरशाह के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 2 दोस्तों पर मारपीट का आरोप लगाया है। प्रिया पेट, पीठ और बाहों पर चोट और दाहिने पैर टूट जाने के कारण एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। प्रिया ने अश्वजीत गायकवाड़ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे वह गायकवाड़ से मिलने के लिए कोर्टयार्ड होटल पहुंची। मॉडल ने यह भी बताया है कि दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। प्रिया का कहना है कि गायकवाड़ ने उसे टाल दिया। पुलिस ने मॉडल की शिकायत के हवाले से कहा कि जब वह होटल के बाहर आया तो सर्विस रोड पर उनके बीच बहस हुई। गुस्से में गायकवाड़ ने उनके साथ मारपीट की और उसके हाथ पर दांत से काट लिया। बाद में जब प्रिया SUV से अपना बैग और मोबाइल लेने गई तो शेल्के ने इग्निशन चालू कर दिया और वह सड़क पर गिर गई और तेजी से भागने से पहले उसके दाहिने पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई। आरोपों का खंडन करते हुए गायकवाड़ ने कहा, जो कुछ भी कहा गया है वह झूठ है, बस सिर्फ एक दोस्त है। वास्तव में वो इस होटल में नशे में आई थी, जहां हम एक पारिवारिक समारोह का आयोजन कर रहे थे। मुझे उसने बात करने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी की। प्रिया ने अपनी पूरी कहानी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर कर दी है और बताया है कि अश्वजीत ही दोषी हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे हैं। सरकार में बेहद महत्वपूर्ण पद पर इनके पिता हैं, बड़े अधिकारी हैं। पूरी कहानी यहां पर प्रिया बता रही हैं। प्रिया की हालत काफी खराब है। प्रिया को अश्वजीत के ड्राइवर ने भी धमकी देते हुए कहा था कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और इसलिए उनसे दूर रहे और उनके खिलाफ कोई शिकायत ना करे। पूरे मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस मामले में अभी तक बॉयफ्रेंड अश्वजीत की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लड़की सब कुछ बता रही है, लेकिन मास्टरमाइंड जो है बॉयफ्रेंड, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, रसूख के चलते उन पर अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाई है? अगर यह मामला किसी सामान्य लड़की या किसी सामान्य लड़के पर आरोप लगता तो पुलिस उसे रातों रात उठा लाती। फिर इस मामले में पुलिस की इतनी ढिलाई क्यों? क्या वजह हो सकती है? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।